माननीय सभापति महोदय, अभी काफ़ी माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। लगभग 20 सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। और जो इस संशोधन विधेयक में जिन बिंदुओं का प्रावधान लाने की बात की गई, उस पर अगर गौर करें तो जितने लोगों ने चिंता व्यक्त की है, शायद अब तक चिंता दूर हो जानी चाहिए। सब लोगों की महत्वपूर्ण चिंता ही रही कि इसको सुदृढ़ किया जाए और राष्ट्रीय तथा राज्य मानव अधिकार आयोग को इस तरह मजबूत किया जाए कि वह मानव अधिकारों का संरक्षण और रक्षा कर सके। इस स्थिति में अध्यक्ष महोदय, पिछले 13 वर्ष, सभापति महोदय, पिछले 13 वर्षों के दौरान जो आवश्यकताएं सामने आई और जो चुनौतियां दिखी, उसके आधार पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग की कार्यक्षमता और उसमें बहुलता लाने के लिए यह प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत चिंता व्यक्त की गई, व्यवस्थाओं की चिंता व्यक्त की गई, कभी कभी जात पात की बात उठाई गई, कभी धर्म संप्रदाय की भी बात उठी है। हम तो कहना चाहेंगे कि 2019 है, 2020 वर्ष पहले, 2020 वर्ष पहले को याद कर लीजिए और समझ लीजिए, सारी विभेद मिट जाएगी, कोई भेदभाव रहेगा ही नहीं। और वह भी हिंदुस्तान की धरती तो इसका उदाहरण है। हम इसकी संस्कृति के विरासत में अगर चले गए, जहां से मानवता का जन्म हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कई बातें कही जा रही है, मानवता का संरक्षण और अधिकार हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के समाज में प्रारंभ से ही। हम सब जानते हैं कि पंच और परमेश्वर दो शब्द ऐसे हैं जिसके बदौलत हम मानवता की रक्षा करते हैं। जो पंचायत होती थी वह अदालत भी होती थी और अपने आप में एक शासन व्यवस्था भी होता था। इतनी मर्यादाओं से बंधा हुआ था, रहता था, इतने आदर्शों और असूलों कि बुनियाद पर खड़ी होती थी हमारी वह व्यवस्था, जिसके आधार पर हम बड़े बड़े फैसले करते थे, मानव के अधिकारों की रक्षा करते थे, हम संरक्षण करते थे। कोई भी बात आती थी, चाहे किसी मानव के अधिकार का हनन हो, चाहे किसी पर अत्याचार हो, किसी पर अन्याय हो, किसी पर भेदभाव हो, किसी की स्वतंत्रता पर प्रहार हो, हर चीजों का फैसला वहां से करते थे। इसलिए हिंदुस्तान की प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्था से ही मानवता की बुनियाद वहां से पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए यह प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, किसी पर अत्याचार नहीं हो और नहीं अत्याचारियों को बख्शा जाए, यह मोदी सरकार की व्यवस्था है, यह मोदी सरकार की व्यवस्था और सोच है। कुछ संशोधन के जो प्रावधान है उसमें हम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर इस पर टिप्पणियां नहीं आई, सिविल सोसाइटी की भागीदारी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा अधिकार उनका संरक्षित हो, इसके लिए सिविल सोसाइटी से भी की संख्या भी 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई का प्रावधान है, ताकि उसकी भागीदारी बढ़े। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए जिसकी आबादी 50% है, महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में वैसे भी केंद्र, राष्ट्रीय या राज्य के उस आयोग के प्रावधान में उसके अध्यक्ष सदस्य के रूप में होते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त
एक और महिला प्रतिनिधि बढ़ा दी जाए, 2 से 3 कर दिया जाए, इसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। महोदय, विभिन्न वर्गों की अभिव्यक्ति ठीक से हो, हमारे इस आयोग के माध्यम से, मानवाधिकार आयोग के माध्यम से सबको लगे कि मानवाधिकार आयोग हमारे लिए है और वहां से हमारे अधिकारों का संरक्षण हो सकता है, इसलिए वहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा महिला आयोगों के अध्यक्षों का उसमें प्रावधान है। लेकिन इसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों तथा मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के को भी एनआरसी के मानव सदस्यों के रूप में शामिल करने का प्रावधान है। इससे महोदय वंचित एवं कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा और वंचित कमजोर वर्गों को न्याय मिलेगा। पात्रता की विस्तार किया गया है, बहुत उस पर चर्चा हुई कि अगर हम एनएचआरसी के अध्यक्ष के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावे हम सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को लेते हैं, कई कारण मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार के एसएचआरसी में भी है कि हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावे हम अगर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को भी ले, 15 में से 13 राज्यों के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद अभी भी रिक्त है। पहले भी अध्यक्ष महोदय, 2000 में एनएचआरसी की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा हूं, क्या जरूरत पड़ी आज इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2008, इन सब काल में अध्यक्ष पद के योग्य व्यक्तियों का जो मानक था उसमें या तो किन्हीं लोगों ने स्वीकार नहीं किया, किन्हीं ने असमर्थता जाहिर की, या किसी न किसी प्रकार से ना उनकी नियुक्ति होने के कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर काम चलाया गया। काम चलाने वाली संस्था से हम पूर्ण उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी रही। यहाँ खाली पद भरने में सुगमता होगी और आयोग सुदृढ़ होगा। अध्यक्ष सभापति महोदय, कार्य की अवधि पर भी चर्चा हुई है, 5 साल से 3 साल किया गया है। मुझको लगता है कि इस पर गौर किया जाना चाहिए। अन्य आयोगों की कार्य अवधि 3 साल की, समानता आएगी, एकरूपता आएगी। हमारे यहाँ पहले से 3 साल की अवधि जब की गई है तो इस आयोग की 3 साल की अवधि करने में 5 साल से घटाकर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जहाँ एक तरफ बात यह हो रही थी कि अगर दोबारे नियुक्ति की बात आएगी तो हो सकता है कि वह व्यक्ति निरंकुश हो या कुछ इस तरह से सरकार की तरफदारी में लग जाए ताकि दोबारे नियुक्ति हो, तो जिसकी 5 साल की नियुक्ति होगी तो वह तो लगा कि 5 साल के लिए हमारी अवधि तो तय हो गई, और दोबारे बनने की बात जब आएगी तो उसमें तो अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का उसको मन में एक ललक होगी कि हम अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि हमको दोबारा बना दिया जाए। और यह भी कोई जरूरी नहीं, और यह कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं किया गया कि बनाया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पात्रता को कम कहीं नहीं की गई। यहाँ हमारे माननीय सदस्य बता रहे थे कि शायद उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। स्वाभाविक है सर कि जब हमारे पास मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी जब उपलब्धता होगी तो उनको प्राथमिकता मिलना तो एक व्यवहारिक पक्ष भी है और सोच भी हमारी सकारात्मक है, हम नकारात्मक सोच वाले लोग नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह बात आई, हम सब राज्यों में विश्वास करते हैं। तमिलनाडु राज्य ने अपनी भावना व्यक्त की थी, तमिलनाडु राज्य की भावनाओं के आधार पर भी यह संशोधन है, हमारे माननीय सदस्य यहाँ बैठे हुए, और उस तमिलनाडु की भावनाओं को, संशोधन के उस भावनाओं को जो ऐसा प्रावधान लाया जाए इसको समर्थन करने वाले राज्य
तमिलनाडु की भावनाओं को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, पंजाब, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो उसमें यह ऐसा नहीं है कि यह जो आज संशोधन की बातें आई है, जो प्रावधान किया गया है, यह समग्र चर्चाओं के बाद, समग्र विचारों के बाद, आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्रावधान को लाया गया है या इसकी कार्य क्षमता बढ़े, इसलिए NHRC के महासचिव को और SHRC के सचिव को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिले ताकि इसके काम में तत्परता आए। एक चर्चा यहाँ हो रही थी दूर दराज के संघ राज्यों को दिल्ली आना पड़ता है, इसलिए जो संघ राज है उसको किसी बगल के राज्य में किसी बगल के राज्य के आयोग के साथ उसको जोड़ दिया जाए ताकि उसको नज़दीक में अपने कामों के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने अधिकार के संरक्षण के लिए वहाँ पहुँचे और उनको इसके लिए सुगमता हो। अध्यक्ष महोदय, मानवता की सेवा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजधन बनाया है। कई बातें आई हमारे सामने कि हमारा मानक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 श्रेणियों में मानक बटा है, ABC, क ख ग, ऐसा करके श्रेणीबद्ध है। उसमें लगातार भारत को 20 वर्षों से और खासकर इन 5 वर्षों में इसको ए श्रेणी के भी स्थान प्राप्त हुए हैं, कहीं इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। यहाँ बात की गई कि कितने मुकदमे आए और कितना डिस्पोजल हुआ, इस बात पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, कुल मामले 5 वर्षों में, पहले का भाई मैं आंकड़ा दूंगा और कितने रिपोर्टें सबमिट हुई, कुल 5 वर्ष में इधर 14 से लेकर जो मुकदमे अब तक दायर हुए वह 1,00,000 नहीं, विभिन्न प्रकार के मुकदमों की को अगर उसमें हम समाहित करते हैं तो 4,93,958 मुकदमे दायर हुए हैं आयोगों के तहत और उसका निपटारा का प्रतिशत 97% है। 8,77,300 मुकदमों का निपटारा हुआ है। पहले क्या होता था, 2014 से लेकर अभी तक जो रिपोर्ट सबमिट किए गए वह रिपोर्ट सिर्फ 17-18 का बचा हुआ है, जो इसी एक सप्ताह से 2 सप्ताह के भीतर वह भी रिपोर्ट सबमिट हो जाने की संभावना है, पूरी उम्मीद है। और पहले जो रिपोर्ट हुआ था वह 2016 से पहले 2019-10 तक, माने 2005 से लेकर 2014 तक की जो अवधि होती है उसमें मात्र 2010 तक ही, यानी कि 5 साल पीछे वर्ष के भी हम रिपोर्ट को सबमिट नहीं करते थे और हम तो बड़ी तत्परता के साथ अब आयोग अपने रिपोर्ट को सबमिट करता है। इस तरह से हम जब सारी विषयों को जब देखते हैं तो लगता है कि इस आयोग काम तो कर ही रहा है लेकिन और इसको मजबूती प्रदान किया जा सकता है। अभी हमारे मधुसूदन मिस्त्री जी बोल रहे थे, आदरणीय हैं, ये कहते थे कि सुधार की उम्मीद नहीं, लगता है कि नकारात्मक लोग ही ऐसा सोचते हैं। हम सकारात्मक सोच वाले हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, परिश्रम और प्रयास करो, परिणाम आएगी ही और उसको कोई रोक नहीं सकता है। जब चाहेंगे कि राष्ट्रकवि दिनकर की एक पंक्ति को जरूर कहें कि है नहीं विघ्न कोई जग में जो रोक सके आदमी के मन को, है नहीं विघ्न कोई जग में जो रोक सके आदमी के मन को, खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पानी पत्थर भी पानी बन जाता है।
पत्थर भी पानी बन जाता है। परिश्रम और प्रयत्न और परिश्रम परिणाम तो लाती ही, और यही कारण है कि मानव का सम्मान बढ़ा है 5 वर्षों में हमारी मोदी जी के नेतृत्व में, और मानवता का मान भी बढ़ा है, मानवता का मान भी बढ़ा है। और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मानवता, मानवता की बहुत संपूर्ण परिभाषा है, जैसा हमारे संजय राव जी कह रहे थे, यह तो देश है। हम तो भैरव बाबा के सवारी को भी प्रणाम करते हैं, पूछते हैं, उनको भी पूछते हैं। हमारी संवेदना इतनी है कि हम तो प्रकृति के जीव जंतु से लेकर मानव, मानव जो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ श्रेष्ठ माने गए हैं, क्या नहीं, जब जब होता अध्यक्ष महोदय, और इनके विषय में हम कहना नहीं चाहते, आप बोले, लेकिन हम कहेंगे अपनी बात। एक हमको पंक्ति याद आ रही है और हम कहेंगे, जिसकी चिंता की गई आज इनके विषय में, कभी जब जमाना था इनका तो किसी व्यंगकार ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी, बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि शहीदों के तुर्बत पर तूने जलाए नहीं एक भी दिए, शहीदों की तुर्बत पर तूने जलाए पहले की बात है, जलाए एक भी दिए नहीं, जिनके लहू से जला है चिरागे वतन, जगमगा दिए तूने मकबरे उनके, जो बेचते रहे हैं शहीदों के कफन। महोदय इन पर व्यंग हम नहीं कहना चाहते थे, नहीं नहीं, लेकिन आप आपके नहीं, आपके समय मैं तो कहूँ, माननीय मंत्री जी महोदय, इनके विषय में कहा गया था, इनके विषय में तो एक व्यंगकार का जब हम पढ़ रहे थे एक समाचार पत्र में, जब इनकी गरीबी मिटाओ के नारा पर किसी ने व्यंग किया था, तो चलते हुए व्यंगकार ने एक सड़क पर जाते हुए बातों की चर्चा करते हुए एक मरे हुए इंसान की चर्चा कर कहा था कि मैं जब सड़क पे जा रहा था तो एक इंसान लेटा था, लटकर देखा तो हम मरा था, और पेट तो उसका लिखा था कि मैं भूखा हूं। आज ग्लोबल लीडर का आज अगर सूची में हमारे प्रधानमंत्री ऊंचा स्थान प्राप्त की, ग्लोबल लीडर जिनको कहा जाता है, तो इस देश से गरीबी मिट रही है, इसके कारण ग्लोबल लीडरशिप आज उनको दिया गया, इस उपाधि से उनको नवाजा जा रहा है। ग्लोबल लीडरशिप की सूची में हमारे चौथे पश्चिमी स्थान पे, तो आज जो सूची जारी हुई है अध्यक्ष महोदय, उसमें निश्चित रूप से है। और मानवता तो सिर्फ हमारे मौलिक अधिकार के हनन से तो चोटिल होती ही है, लेकिन मानवता का बड़ा व्यापक परिभाषा है, सिर्फ उसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, मन की भावनाओं से देखा जा सकता है, और उसमें जब आप देख नहीं, प्रवचन नहीं हो रहा है, मानवता आखिर मानव अधिकार आयोग किस लिए है, मानवता के संरक्षण के लिए है ना, तो मानवता क्या है, मानवता तो सभापति महोदय मानवता तो उस समय तार तार हो जाती थी जब सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी में जब वह दम तोड़ती रहती थी। मैं किसी चर्चा नहीं करना चाहता, मैं तो हम नहीं, प्लीज अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई में मैं सारी बातें कहूँ। आपने भी असम में विदेशी डिटेंशन के विषय में कहा है, मैं कहूँगा, और नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, संवेदनशील है, और विदेशी नागरिकों के या अवैध नागरिकों के जो छटाई हो रही है, जिसको प्रमाण देने के लिए कहा जा रहा है, प्रमाण न प्रस्तुत करने की स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आती है तो डिटेन करने का प्रावधान है, लेकिन उसको कोई कष्ट नहीं। आप इतने लोगों को ले आए हैं कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी प्रहार हो रहा है, इसलिए वहाँ कोई मानवता तार तार नहीं हो रही है, चिंता मत कीजिए। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से दोनों सदन को बताया है कि हमारी भावनाएं क्या है, और हम चाहेंगे कि सब पर आप लोग सहमत होइए, इस देश का कल्याण चाहते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं का बात कह रहा हूं। मैं तो अगर एक एक जवाब दूं
तो शायद आप मैं चाहता हूं कि दूं, लेकिन लंबी सूची है, लेकिन आप जीत, आप कहते थे आप आ नहीं, हम मिस्त्री जी, हमारे माननीय मिस्त्री जी कहते थे गुजरात की काफी चर्चा करते, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता अध्यक्ष महोदय, लेकिन जितनी बातें आई है इस संशोधन के प्रावधान में, जो मूल बातें हैं मैं उसको स्पष्ट रूप से कहा हूं, एकदम स्पष्ट रूप से कहा हूं कि संशोधन पर जो जो आपकी चिंताएं हैं, दो दो चीजें क्यों पर जिस पर आपने चिंता व्यक्त की है वह क्यों जरूरी है, उसमें मैं तो यही कहूंगा अंत में कि देश और दुनिया मोदी जी पर विश्वास करती है, आप भी विश्वास कीजिए, मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो सिद्धि है, मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो सिद्धि है। अनुरोध करते हुए कि यह प्रावधान जो लाया गया मानव अधिकार आयोग के, वो इतना सुदृढ़ किया जाए कि मानवों के स्वतंत्रता का, उनके अधिकारों का संरक्षण हो, रक्षा हो, और एक प्रार्थना के साथ, अनुरोध के साथ इसको पारित किया जाए। धन्यवाद।